अंदर डाल देते हैं तो कुछ समय बाद वो दाना एक पौधा बनकर उभरता है। वही कंडीशन छात्रों की होती है जब वो तैयारी करते हैं। अगर कुछ समय अच्छी तरह अपनी तैयारी में लगा दें तो वो भी एक पौधे की तरह उभरते हैं। और एक बात ये भी है, जो छात्र होते हैं, छात्रों से तीन पीढ़ियों के सपने जुड़े हुए होते हैं, मम्मी पापा और खुद के और आने वाली संतान के, तीन पीढ़ियों के उनसे सपने जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए है, अगर आप कभी थक जाएं तो आंखें बंद करके आप सोचें कि आपके माता पिता इस समय, जिस समय आप एक रूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय वो खेतों में काम कर रहे हैं। तो अगर थक जाएं तो याद रखें कि कैसे कह दूं थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। आप बहुतों के हौसले हैं, इसलिए अच्छी तरह अपनी तैयारियां करें। जो ये 5-6 महीने का जो समय होता है उसे अच्छी तरह अपनी तैयारी में लगाएं। और एक बात ये भी है कि खुद को आप इतनी मजबूत करें। एक अल्लामा इकबाल का शेर है जो बहुत ही अच्छा भी है और आपके लिए, आपको काफ़ी प्रेरित भी करेगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे को खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि आप खुद को उस तरीके से डेवलप करें कि ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए आपकी मेहनत को देखकर, जो आप मंजिल पाना चाहते हैं आपको उस मंजिल पर पहुंचा दे। तो आप अच्छी तरह तैयारी करें। जो 5-6 महीने का जो समय होता है कॉम्पिटिशन में वो आपका काफ़ी होता है, ज़्यादा समय नहीं है। बस शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सद्दाम खान जी, इराक से भारत तक की यात्रा करा दी आपने। जैसा कि सद्दाम खान जी के चेहरे से मुस्कान थी, उसी पे मैं एक शेर अर्ज करता हूँ कि जो मुस्करा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। ऐसे मुस्कान नहीं आई है, जो मुस्करा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, उसके पाँव में छाला होगा। संघर्ष करने, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए का उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए का उजाला होगा। तो मैं ऐसे जले हुए दिए आपके सामने आमंत्रित करता हूँ, जिनके बारे में पहले भी मैंने एक शेर अर्ज किया था कि मैं बेहद हूँ, बे इंतिया हूँ, बेहिसाब हूँ। तो आपके सामने आपको